Sivadasa Maya Dasi Govinda Radhe. एक तो अंतरंग शक्ति होती है, प्राइवेट, और दो शक्तियां और हैं, एक का नाम परा और एक का नाम अपरा। गीता में डिटेल में वर्णन है, परा माने उत्तम श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। दैट तो पराशक्ति जीव है जो कि चेतन है, अपराशक्ति माया है जो कि जड़ है, इसलिए वो निकृष्ट है। तो निकृष्ट शक्ति अपरा, उत्तम शक्ति पराशक्ति जीव को हरा देती है। कितना बड़ा आश्चर्य, अपरा परा को हरा दे, माया जीव को हरा दे, यानी जड़ शक्ति केतन शक्ति को हरा दे, ये आश्चर्य है। लेकिन आश्चर्य इसलिए नहीं है कि उस जड़ शक्ति को भगवान की शक्ति मिल जाती है, तो जीव की शक्ति छोटी सी वो बेचारी क्या करे। भगवान की स्वरूप शक्ति जिसमें होती है उसको माया लग नहीं सकती, और जीव को माया लगी है, इसलिए भगवान की स्वरूप शक्ति का अंश भी नहीं है जीव, और माया जड़ है उसका अंश भी नहीं है जीव, क्योंकि वो चेतन है। इसलिए ये दोनों के बीच में है, तो तटस्थ शक्ति कहते हैं इसको। तो जीव तटस्थ शक्ति है और माया बहिरंग शक्ति है, लेकिन बहिरंग शक्ति तटस्थ शक्ति पर हावी हो जाती है, उसके ज्ञान को समाप्त कर देती है। मैं भगवान का दास हूँ, ये जो ज्ञान है इसको विचार करके मैं देह हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी का पति हूँ, ये सब दैहिक अज्ञान भर देती है माया। तुम्हारी माया ने ही बुलाया है मुझे,
मेरा दोष नहीं है, तुम्हारी नौकरानी का दोष है, इसलिए अपनी नौकरानी को वापस बुला लो, उसको छुट्टी दो। तेरे मुस्कुराने से ही, तेरे मुस्कुराने से ही गोविंद राधे। Stop!